हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको वेलवेट फैब्रिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दूंगी। देखिए, इस तरीके से आप ये आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के वेलवेट के फैब्रिक होते हैं। इनकी जो ऊपरी सतह होती है वो काफ़ी चिकनी सी रहती है और जो नीचे वाला पोर्शन रहता है वो थोड़ा सा खुरदरा रहता है। तो आप इस तरीके से वेलवेट फैब्रिक की पहचान कर सकते हैं। आप बहुत सारे शेड्स के फैब्रिक ये मिलते हैं, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। जितना अच्छा सा वेलवेट का फैब्रिक रहेगा वो थोड़ा उतना ही कॉस्टली आता है। आप देखिए कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पे वेलवेट के ही। तो आप वेलवेट फैब्रिक से क्या बना सकते हैं? आप वेलवेट फैब्रिक से लहंगे बना सकते हैं और कुर्तीज़ बना सकते हैं। इसके मतलब वेलवेट फैब्रिक से पहले तो कॉटन ये जो कर्टन्स होते हैं वो सोफ़े के कवर स्पेशली बना करते थे, लेकिन आप आजकल के ट्रेंड में इससे आप लहंगे बनाइए, कुर्तीज़ बनाइए। लॉन्ग जो कुर्ती होती है इसकी पैंट्स भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी है वेलवेट फैब्रिक से। जैसे मैंने कुर्तीज़ बनाई हुई हैं और मैंने लहंगे भी बनाए हुए हैं वेलवेट फैब्रिक से। तो इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा कर के आप देख सकते हैं आप किस तरीके से वेलवेट फैब्रिक का यूज़ करके अपने लिए ड्रेसेस बना सकते हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो बना करके अपलोड करी हुई हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।